कानून को तोड़कर आगे बढ़ना, यही लालू जी का परिचय है। मुकेश सहनी को फिर से खंजर याद आने लगा है, आपका जो सीने में मार किया है, पीठ में खंजर भूल गए। नहीं नहीं, छोटे भाई हैं, उस पर क्या बोल रहा है, अपना अपना राजनीति करते हैं, करते रहे। प्रधानमंत्री जी लगातार भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं और वो लोग अपने परिवार को श्रेष्ठ बना रहे हैं, फर्क यही है। नमस्कार, मैं आराम सदन जब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज लालू परिवार को लेकर जोरदार हमलेवार हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार यादव का ही मतलब है कि भ्रष्टाचार और अपराध को स्थापित करना, यानी जोरदार हमलेवार हुए। और एमके स्टालिन को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो ये लोग जो प्रधानमंत्री मोदी से भी बेहतर हम लोगों के पास नेता है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन लोगों का बस एक ही काम है, परिवारवाद को आगे बढ़ाना, परिवार को आगे बढ़ाना। पहले आइए सुनते हैं बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। जांच वगैरह कर रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन इस पर अपना कॉन्जेस ले, लोगों ने आवेदन दिए हैं, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की सर जो मतलब ये कि अरे तो लालू जी के परिवार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? लालू जी के परिवार का मतलब ही है गुंडा राज स्थापित करना, भ्रष्टाचार स्थापित करना, लूट खसोट स्थापित करना और कानून को तोड़कर आगे बढ़ना, यही लालू जी का परिचय है। मुकेश सहनी को फिर से खंजर याद आने लगा है, आपका जो सीने में मार किया है, पीठ में खंजर भूल गए। नहीं नहीं, छोटे भाई हैं, उस पर क्या बोल रहा है, अपना अपना राजनीति करते हैं, करते रहे। प्रधानमंत्री बकवास करते हैं, हमारे पास कई मजबूत नेता है। नहीं नहीं, तो अच्छा है ना, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं और वो लोग अपने परिवार को श्रेष्ठ बना रहे हैं, फर्क यही है। कोई भी इंडी गठबंधन के लोग अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं, मोदी जी देश को बढ़ाने में लगे हैं। एनआईए की टीम पर फिर से पत्थरबाजी हुई है बंगाल में। अरे नीचे आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सुना और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सम्राट चौधरी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव और इसका मतलब है कि बस परिवारवाद और भ्रष्टाचार का स्थापित करना, ये लोग सभी जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये लोग सभी अपने अपने परिवारों को लेकर आगे बढ़ते हैं। एमके स्टालिन को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो लोग जो भी हैं वो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं और आम जनता के लिए वो लोग कुछ नहीं सोचते हैं। वहीं मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, उनको 3 लोकसभा की सीटें मिली हैं, ऐसे में उनके 3 उम्मीदवार इस बार महागठबंधन के तरफ से होंगे। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि मेरे पीठ में खंजर भोंका है, तो इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो छोटे हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं, सबकी अपनी अपनी राजनीति होती है, उनकी भी अपनी राजनीति है, राजनीति करें और भारतीय जनता पार्टी किसी के पीठ या किसी के सीने में खंजर नहीं भोंकती है। इसी तरह के उन्होंने कहा और लालू प्रसाद यादव को लेकर भी उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का प्रय और उनका साफ तौर पर कहना था कि लालू प्रसाद यादव का भ्रष्टाचार और परिवारवाद को स्थापित करना होता है, प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। लोकसभा चुनाव पास में है, महागठबंधन के पाले में मुकेश सहनी चले गए हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि वो छोटे भाई हैं, सबकी अपनी अपनी राजनीति करने की सूझबूझ होती है, वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं राज इस क्रम में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए अब मेरी एक न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी पिंटू के साथ, मैं सदन जी पटना।